चलो, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, कल हमने एंटीबायोटिक खत्म किया था। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों के दोनों क्या करते हैं, दे आर यूज टू किल सबका, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं एंटी मलेरियल्स हैं सबका काम क्या है, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल करना या इनके ग्रोथ को रोकना, डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट दे बोथ आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आर यूज टू इनहिबिट देयर ग्रोथ, या उनके ग्रोथ को रोकना इनका काम होता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक सबको पता है घर में डेटॉल यूज करते हैं, सेवलॉन यूज करते हैं, सोफ्रोमाइसिन यूज करते हैं, सब यूज होता है। बस एंटीसेप्टिक के अंदर डिसइंफेक्टेंट के अंदर डिफरेंस क्या है कि एंटीसेप्टिक जो है ना ये लिविंग टिश्यूज पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो है दे कांट बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, फ्लोर्स में, टॉयलेट्स में, यहाँ पे यूज करते हैं, सही ना, इनको डिसइंफेक्टेंट को। डिफरेंस इसका होता है कंसेंट्रेशन का। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, ऐसा सब्सटेंस डेट कैन एक्ट बोथ एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट इज फिनॉल। अगर 0.1% कंसेंट्रेशन है फिनॉल का, 0.1% कंसेंट्रेशन है, 0.2% कंसेंट्रेशन है फिनॉल का, अगर इट विल एक्ट एज एंटीसेप्टिक, और 1% हो जाएगा अगर, तो कंसेंट्रेशन बढ़ गया, कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो वो काम करेगा डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में ये डिफरेंस है, सही ना। एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट को लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेजर डिफरेंस है। और यही एग्जांपल पूछा जाता है इसका, 0.2% फिनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक, 1% फिनॉल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, 1% है तो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, तो ये तो मैं ध्यान रखना है। अब एंटीसेप्टिक कौन कौन से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सब, वो सब नोट करने पर, वो सब नोट करने हैं, स्ट्रक्चर्स भी करने हैं, वैसे तो स्ट्रक्चर्स मतलब रेयर केस में आते हैं लेकिन करना है तुम्हें स्ट्रक्चर्स। जैसे अगर मैं बात करूं डिटॉल की, डिटॉल, डिटॉल में मिक्सचर किसका, ये तो बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, डिटॉल मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्साइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल, क्लोरोक्साइलिनॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोक्साइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल, क्लोरोक्साइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल। अब क्लोरोक्साइलिनॉल ये क्या चीज है, क्लोरोक्साइलिनॉल स्ट्रक्चर किसी को पता है इसका, क्लोरो लगाना है, ऑल बोला है तो फिनॉल बना देना, सीएल लगा दिया, मैं को पता है। और उसके बाद एमईएम, देखो जाइलीन ये होता है, कुछ कुछ मैं बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहे। देखो जाइलीन बोल दिया ना यहाँ पे, जाइलिनॉल, जाइलीन बोला तो ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन सबने पढ़ा हुआ ना, जाइलीन के लिए सी एस थ्री लग गया, दोनों सी एस थ्री एडजेसेंट पे है, यानी ऑर्थो पे है तो ऑर्थोजाइलीन, मेटा पे है तो बेटाजाइलीन, पैरा पे तो पैराजाइलीन, ये जाइलीन की फॉर्म आ गई, ये जाइलीन की फॉर्म आ गई। और क्लोरो बोला तो सी ए लगा दिया, ऑल बोला तो ओ एच लगा दिया, कुछ इससे याद रहेगा तुम्हें, एटलीस्ट कुछ भी नहीं पता है अगर तो फंक्शन रूप वगैरह तुम पहचान सकते हो, एल्कोहल फंक्शन रूप नहीं है इसके तरफ, फिनॉल वाला है, क्लोरो से क्लोरो लगा दिया, जाइलीन से दो मिथाइल लगा दिए, जाइलीन से दो मिथाइल लगा दिए, ऑल से फिनॉल लगा दिया, तो ये याद रहेगा इससे, क्लोरोक्साइलिनॉल, क्लियर, क्लोरोक्साइलिनॉल ये है। फिर टर्पिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल, तो इसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा अल्फा टर्पिनॉल को, ये ऑल लगा दिया, ये ऑल लगा दिया इसमें, और एक रिंग नहीं आएगी इसमें, बॉन्ड आके ऊपर एम ई लग जाएगा, ये अल्फा टर्पिनॉल है ना, अल्फा टर्पिनॉल, तो क्लोरोक्साइलिनॉल अल्फा टर्पिनॉल। मेन तुम्हें ये जरूर याद रहना चाहिए, ये सब बाद की बात है, ये बात की बात है सब, ना ये सब बात की बात है ना, क्लोरोक्साइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल दूसरी चीज बात की बात है, मेन तुम्हें याद जो रहना चाहिए, अल्फा टर्पिनॉल और क्लोरोक्साइलिनॉल मिलकर के डिटॉल को बनाते हैं, डिटॉल एक एंटीसेप्टिक है, डिटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट आ गया डिटॉल, पहले बता दिया मैंने, दूसरा बिथ्योनल, एक टॉपिक है फिलर्स इन सोप, फिलर्स इन सोप, बिथ्योनल ये सोप के अंदर डलता है और ये काम करता है एंटीसेप्टिक का, बिथ्योनल जो है ये सोप के अंदर डलता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बिथ्योनल इन सोप, ये पूछते हैं क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ बिथ्योनल, तो तुम क्या बोलोगे इसके अंदर, बिथ्योनल का फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप, क्लियर, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप, सोप के अंदर ये एंटीसेप्टिक काम करता है, और बिथ्योनल बोला हुआ है इसके अंदर, बिथ्योनल,
तो इसका जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड सिमेट्रिकल होगा। थायो वर्ड लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें बता देता हूँ। थायो वर्ड लगाया ना मीन्स एस जरूर आएगा, थायो वर्ड लगाया तो एस जरूर आएगा, बिथ्योनल सही ना, इसमें एस जरूर आएगा, बिथ्योनल में ओएल, लास्ट में ओएल आता है बिथ्योनल, तो एल्कोहल या फिनॉल जरूर आएगा, एस जरूर आएगा या एस लगा दिया, बस दोनों साइड सिमेट्रिकल ग्रुप, दोनों साइड सिमेट्रिकल ग्रुप है इसमें। ये OH OH मिरर इमेज बनानी है बिल्कुल, OH के सामने OH, CL ऐसे लगाया है, CL ऐसे लगाया तो CL CL लगा दे, CL CL, ये बिथ्योनल है, बिथ्योनल मेन। तुम्हें जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि क्या याद रखना चाहिए, बिथ्योनल एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप, बिथ्योनल एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप। थर्ड, पहला मैंने बताया तुम्हें डिटॉल, दूसरा बिथ्योनल बता दिया, तीसरा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एम्स में पूछा हुआ है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी एंटीसेप्टिक होता है, ये भी एंटीसेप्टिक होता है, 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, बस इतना ही पूछा था, डिटेल नहीं पूछी कोई, 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, इन एल्कोहल या ईथर भी कहते हैं कई बार, 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल और ईथर। इसके अलावा आयोडोफॉर्म भी होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है आयोडोफॉर्म, बस बैड स्मेल की वजह से यूज नहीं करते इसको, CH3 आयोडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म बैड स्मेल की वजह से इसको यूज नहीं करते, एंटीसेप्टिक, ये भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ऐसा सब्सटेंस जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करेगा, वो क्या है, वो क्या है, फिनॉल, 0.2% फिनॉल है तो एंटीसेप्टिक, 1% फिनॉल है तो डिसइंफेक्टेंट, 1% फिनॉल है तो डिसइंफेक्टेंट। तो ये तुम्हें यहाँ पे पूरा करना है डिटेल में, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा कल मैंने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बता दिया था ना, पेनिसिलिन का, यस सर, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बता दिया था ना, 4 की रिंग और 5 की रिंग, और सेकेंडरी अमाइड वाला पार्ट था और टर्शरी अमाइड वाला पार्ट था, बताया है कल कितने कार्यल सेंटर्स हैं उसके अंदर, नहीं याद है, 4 की रिंग थी इसमें, एक 5 की रिंग थी, ये बनाने के बाद सब ऐड करना है इसके अंदर, अब ये बनाने के बाद सब ऐड करना है। अब इसके अंदर सेकेंडरी अमाइड है और टर्शरी अमाइड, RC(OONH) ये जोड़ देंगे पहले, सेकेंडरी अमाइड और फिर टर्शरी (OON) इस फॉर्म में, ये लगा दिया टर्शरी वाला अमाइड की फॉर्म, (OON) ये आ जाएगा। उसके बाद MEME लगा देंगे, MEME ये लगा दिया, C(OOH), C(OOH), अब इसमें कार्य सेंटर बोलेंगे, अगर अगर उसका कोई कार्य सेंटर कितने हैं इसके अंदर, तो कार्य सेंटर एक यहाँ पे है कार्बन गेरा, ये वाला एक कार्य सेंटर, दूसरा कार्य सेंटर यहाँ पे है, नवे सही है तुम्हारा, सेकंड कार्य सेंटर ये रहा और थर्ड कार्य सेंटर ये रहा, तीन कार्य सेंटर हैं इसके अंदर, और यहाँ एक एस मत भूलना, एक एस और आएगा, तीन कार्य सेंटर हैं जो मैंने बोल्ड कर दिया। ये पेनिसिलिन है विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, सही ना, ये पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था, ये वाला कार्य सेंटर हो जाता लेकिन इसमें रेजोनेंस हो गई है तो इस वजह से नहीं काउंट करते इसको, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना तुम्हें। ये है पेनिसिलिन, क्लियर, फर्स्ट एंटीबायोटिक, सही ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक। अब नेक्स्ट आता है सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स क्या है, सल्फर ड्रग्स भी एंटीबायोटिक होते हैं लेकिन आज ये आउटडेटेड हो चुके हैं, आजकल इसको डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब नहीं करते, किसी को अगर सल्फर से एलर्जी है, ज्यादातर लोगों को होती है, तो इसलिए सल्फर ड्रग्स जो है ये प्रेस्क्राइब नहीं करते। और सल्फर ड्रग्स के बारे में, सल्फर ड्रग्स के बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, इसका जो जनरल फॉर्मूला था अगर तुम्हें याद हो तो, जिसने पढ़ा होगा NH2SO2NHR, SO2NHR, आर की जगह अगर H एक और आ जाए तो सल्फा एनिलामाइड, आर की जगह अगर पायरिडीन आ जाए तो सल्फा पायरिडीन, आर की जगह अगर डाइजीन आ जाए तो सल्फा डाइजीन, ये मैंने तुम्हें बताया था कल, तो तुम्हें ध्यान हो तो, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया सल्फा ड्रग्स का, ये सल्फा ड्रग्स का जनरल फॉर्मूला है, कोई डाउट यहां था किसी को, नेक्स्ट नोट करेंगे, सल्फा ड्रग्स हो गया, नेक्स्ट अब नोट करेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसके भी एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं,
तो ये भी तुम्हें पढ़ना है इसके अंदर, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इन वेमेन, सही ना, प्रेगनेंसी को जो कंट्रोल करेंगे वो क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एग्जाम्पल इसकी करनी है नोवेस्ट्रॉल, नोवेस्ट्रॉल, नोवेस्ट्रॉल के अंदर ना जो पूछा है 2020 में पूछा था क्वेश्चन इसका, नोवेस्ट्रॉल के अंदर, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, स्ट्रक्चर खुद ट्राई करेंगे, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं ये पूछा था। फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, एल्कोहल का है और टर्मिनल का है, फिनॉल एल्कोहल ऑल लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान रखना, फिनॉल एल्कोहल और टर्मिनल एल्काइन, ये फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, एक बार चेक कर लेंगे। इसके अलावा नॉर्थिन ड्रोन, नॉर्थिन ड्रोन, एक माइफ्रिस्टिन, माइफ्रिस्टिन, ये क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये भी इन तीनों करना है इसके अंदर, है ना, ये तीनों भी करना है इसके अंदर। यहाँ पे अब खत्म हो गया टॉपिक, ये जो ड्रग्स वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। नाउ केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन फूड, तो उसके लिए पहला आता है प्रेजर्वेटिव्स। कोई भी चीज, कोई भी पैकेज्ड मटेरियल अगर तुम लोगे मार्केट से, प्रेजर्वेटिव सबके अंदर डाला होता है, केमिकल होता है ये, सही ना, केमिकल है ये, तो प्रेजर्वेटिव सबके अंदर डाला होता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। जो नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स हैं, नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स हैं, जैसे हम सॉल्ट यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह बनाते हैं तो सॉल्ट यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, ये क्लास फर्स्ट प्रेजर्वेटिव होते हैं। ऑयल यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, दीज आर ऑल क्लास फर्स्ट प्रेजर्वेटिव्स, सही ना, ये क्लास फर्स्ट प्रेजर्वेटिव है, इसके बारे में कम पूछा जाता है। क्लास सेकंड प्रेजर्वेटिव जो है ना, ये क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड में वो पूछेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, SO2, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, Na2S2O5, सोडियम बेंजोएट बहुत कॉमन है, जरा पूछते हैं। SO2 को पूछा हुआ नीट में एक बार, अभी पिछले 5 साल के अंदर ही पूछा हुआ है SO2 के बारे में। और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्लास सेकंड प्रेजर्वेटिव जो हम यूज करते हैं, सही है, ये प्रेजर्वेटिव हैं जो यूज किए जाते हैं। प्रेजर्वेटिव किस लिए होते हैं, देर एडेड टू फूड टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, उनकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, दे इनिबिट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फूड जो खराब स्मेल आने लग जाती है कुछ टाइम के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सही ना, बात समझ आएगा कि नहीं है। दे आर यूज टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, प्रिजर्वेटिव दे आर यूज, और कौन सा है, सोडियम बेंजोएट मोस्ट कॉमन, सोडियम बेंजोएट मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट नोट करना, फूड कलर्स, फूड में कलर ऐड करते हैं, नेचुरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेटेलिक कलर है या कोल तार वगैरह है तो वो हार्मफुल होते हैं बहुत, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। फूड कलर्स नेचुरल है जैसे टर्मरिक वगैरह तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये अदरवाइज अगर मेटेलिक कलर्स हैं तो ये जनरली हार्मफुल होते हैं तो इनको यूज नहीं करना चाहिए। कोल तार वगैरह यूज करते हैं, दे शुड नॉट बी यूज, ठीक है, ये काफी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट नोट करना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये भी आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए इसको, इसके भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बहुत लंबे समय तक इसको भी नहीं लेना चाहिए। शुगर फ्री वगैरह जो यूज करते हैं ना, ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या है, दे आर जनरली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है ये, सही ना, ताकि शुगर इंटेक ना हो, क्योंकि शुगर में बहुत ज्यादा कैलरीज होती है, टू रिड्यूस देयर कैलरी इंटेक, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर जनरली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स, जनरली यूज करते हैं, सही ना, डायबिटिक पेशेंट को। तो इसमें जो हमें करना है, इसके अंदर चार हैं, चारों को चारों करने, सही ना, चारों करने इसके अंदर। फर्स्ट जैसे सैकेरिन, वैसे शुगर क्या होती है, सुक्रोज ज्यादातर यूज होती है, सैकेरिन, सैकेरिन 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, 550 टाइम, इट इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, सैकेरिन, सही ना, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आ जाएगा C(OH)SO2NH, तो ध्यान रखना, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, किसी ने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, विल सैकेरिन गिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और नॉट,
सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट ये देगा कि नहीं देगा, कोई भी तुम्हें से बता सकता है क्या? विल दिस सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, सेकेंड विल गिव नाइट सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट और नॉट? सेकेंड सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट देगा कि नहीं? आर्यन देगा ये, क्योंकि इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर के लिए टेस्ट होता है ना ये, तो सल्फर प्रेजेंट है तो इसलिए टेस्ट देगा, Na4 FeCN5 NOS थायो नाइट्रो बन जाएगा, वायलेट कलरेशन आ जाएगा, तो ये टेस्ट देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए होता है, वायलेट कलरेशन आती है, वायलेट कलरेशन। तो पहला सैकेरिन है व्हिच इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर एज कंपेयर टू सुक्रोज, और स्ट्रक्चर मैंने इसका बता दिया सैकेरिन का। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट इट इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है ना कोल्ड फूड्स में या कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज करते हैं, इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को कोल्ड फूड में या कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज करते हैं, ये 100 टाइम्स मोर स्वीटर होता है, इट इज 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। इसको कोल्ड फूड में या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ही यूज करते हैं, रीजन क्या है इसका कि ये बेकिंग टेम्परेचर पे यानी हायर टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाता है, क्लियर? इट डिकम्पोजेस एट हायर टेम्परेचर, सिंस इट डिकम्पोजेस एट हायर टेम्परेचर सो इट इज यूज इन कोल्ड फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स ओनली, एस्पार्टेम, सही ना, एस्पार्टेम। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2001 IIT में आया था, तो उसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ था इसका, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था और पूछा था इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। और अभी जो क्वेश्चन आया था IIT मेंस में वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, जिसको स्ट्रक्चर आता था वही ये क्वेश्चन करता था, तो स्ट्रक्चर मैं इसका बता देता हूँ। कुछ कुछ ये पार्ट एस्पार्टिक एसिड से ड्राइव किया गया है, एस्पार्टिक एसिड, सही ना, एस्पार्टेम, देखो CH2 मतलब सक्सीनिक एसिड लिया, ये है सक्सीनिक एसिड OH, सक्सीनिक एसिड लिया, इसका एक एच हटा के NH2 लगा दिया, एक एच हटा के NH2 लगा दिया, ये ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है। सक्सीनिक एसिड था उसका बीच में से एक एच हटा के NH2 लगा दिया, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे फिनाइल एलानिन, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है फिनाइल एलानिन, अगर तुम्हें याद हो स्ट्रक्चर RCH, इसको ऐसे लिखें, चलो इसको ऐसे एक मिल जाओ, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं RCH NH2 COH, इस R की जगह लिख दो CH2 CCH5 CH2 C6H5, और COOH को बना दो मिथाइल एस्टर COOCH3। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तुम, ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे COOH, आप ध्यान देना CH2 CH NH2 C डबल बॉन्ड OOH प्लस NH2 CH CH2 PH COO ME की लिख दो CH CO CH3। अब इसमें से कैसे होगा, जिसने मेरे पास पढ़ा हुआ है पॉलीमर चैप्टर, अब बताओ कैसे रिमूवल होगा, अब रिमूवल कैसे कैसे होगा इसमें, सिर्फ वाटर निकल जाएगा OH और NH2 में से। और अच्छा OH किसका निकलेगा, जो पहले वाला आपने लिया, एसिड का हमेशा OH, एसिड का एसिड निकालना, ये बाहर निकाल देना, बन गया ये एस्पार्टेम, क्लियर, ये एस्पार्टेम बन गया COOH। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2001 का IIT का क्वेश्चन था ये, CONH CH CH2 PH COO CH3, ये था ना। अब IIT का क्वेश्चन क्या था कि पहला 2001 में 8 मार्क्स में आया था क्वेश्चन पूरा, कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, पहला क्वेश्चन कौन कौन से इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा क्वेश्चन था इसके अंदर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन सा पार्ट ज्यादा सोल्यूबल होगा, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन सा दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कौन सा पार्ट ज्यादा सोल्यूबल होगा, एक क्वेश्चन था इसके अंदर और फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ये आया था एक जो अभी का क्वेश्चन आया था ना एस्पार्टेम में, कितने कितने इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कितने इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये क्वेश्चन आया था। अब जिसको स्ट्रक्चर ही नहीं पता वो तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, 2001 में जब आया था एडवांस में
तब स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अभी स्ट्रक्चर नहीं दिया था। तो अब तुम देख लो फंक्शन ऑफ कौन कौन से इसके अंदर, बोल आर्यन एक बार, फंक्शन ऑफ कौन से इसके अंदर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सर मैं बोल, कीटोन हाँ है और सर, एस्टर है इसमें, सीओ है, और टर्शियरी सेकंड फर्स्ट प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है और सेकेंडरी अमाइड है ना। यस सर, टर्शियरी नहीं है। एस्टर एस्टर एसिड तो बहुत सिंपल वाले सबको दिख रहे होंगे, एस्टर और एसिड सबको दिख ही रहा है, प्राइमरी अमीन भी दिख रहा है, ये क्या है सेकेंडरी अमाइड, ये क्या है सेकेंडरी अमाइड, चार फंक्शन रुक रहे। और कितने कार्बन sp2 वाले हैं ये देखो कौन देता आंसर, स्ट्रक्चर के बिना नहीं हो सकता क्वेश्चन, चेक करो एक बार। नाइन एसपी टू हाँ सही है, मयंका भी सही है, और किसने दिया आंसर, नाइन एसपी टू कार्बन है, नाइन, देखो एक यहाँ पे, एक ये तीन ये हो गए और छह फिनाइल ग्रुप में, छह बेंजीन रिंग में, नाइन एसपी टू कार्बन। और क्वेश्चन क्या आया था मैंने तुम्हें बताया, अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा ना तो ये पार्ट हाइड्रोलिसिस होगा इसका, एमाइड मतलब जो ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है, एमाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और एक एस्टर का। सीओ के साथ आएगा पानी का OH, NH के साथ आएगा H, CO के साथ पानी का OH आएगा, NH और O के साथ H आएगा। तो अब आंसर मिल जाएगा तुम्हें इससे, इससे आंसर क्या मिल गया, ये ऊपर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, एक आंसर तो ये मिल गया, यही मिलेगा कि नहीं, चेक करो एक बार, ये मिल गया और दूसरा पार्ट यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे COOH आ जाएगा बस, इधर इस वाले पार्ट COOH। अब बताओ अगला क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा पानी में ज्यादा सोल्युबल है, सर लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा होगा जो लेफ्ट एक्सट्रीम पे, हाँ जिसके अंदर, क्योंकि क्यों है ज्यादा सॉल्युबल बता आर्यन ने, सर उसमें आर ग्रुप बहुत कम है, बाकियों में आर ग्रुप बहुत ज्यादा है, उसमें तीन फंक्शनल ग्रुप भी लगते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर तो जिस भी पार्ट को देखोगे ना उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, और इसमें क्या है ये फिनाइल ग्रुप आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज ऑफ नॉन पोलर नेचर एंड नॉन पोलर कंपाउंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्लियर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये खत्म कराया मैंने तुम्हें एस्पार्टेम की डिटेल, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कितने डिटेल्स पूछ सकते हैं इसमें पेपर के अंदर, ये एस्पार्टेम की डिटेल थी, मैंने बेसिक तुम्हें जरूर याद रहना चाहिए, एस्पार्टेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड इट इज 100 टाइम्स मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू सुक्रोज, इट इज यूज ओनली इन कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एज इट इट डिसोसिएट्स और डिकम्पोजेस एट बेकिंग टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाता है इस वजह से। अब लास्ट जो है दो एस्पार्टेम और एलिटेम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों की डीमेरिट पूछते हैं पेपर में, एलिटेम सही ना, एलिटेम क्या है 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, तो डीमेरिट समझ आ गई इसकी, क्या है डीमेरिट सबको समझ आ गई कि नहीं, यस सर, इसकी स्वीटनेस ज्यादा है, कमें स्वीटनेस इसकी बहुत ज्यादा है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट स्वीटनेस, क्लियर, इसकी स्वीटनेस बहुत ज्यादा है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट स्वीटनेस, इसको कितने अमाउंट में डालना है पता ही नहीं है, इसको कितने अमाउंट में डालना है ये पता नहीं है, सही ना, तो ये इसकी डीमेरिट है। अच्छा अब एलिटेम बता दिया मैंने तुम्हें, एस्पार्टेम बता दिया, एक मैंने सुक्रोज, एक सैकेरिन, सैकेरिन बता दिया मैंने, सैकेरिन सर सुक्रोज बचा, सैकेरिन बता, सैकेरिन नहीं बताया ना, सैकेरिन नोट करेंगे एक बार, और एलिटेम भी ना, एलिटेम का स्ट्रक्चर भी एलिटेम का स्ट्रक्चर भी सेम एस्पार्टेम की तरह है, थोड़ा सा चेंज है, एस्पार्टेम बोला ना मैंने तो CH2COH तो आएगा ही, ये तो आएगा ही CH2COH, स्पेस कम है इसलिए मैं शो कर रहा हूँ, CHNH2 C डबल बॉन्ड ONH, फिर CHME CHME C डबल बॉन्ड ONH C बॉन्ड ONH, यहाँ पे चेंज है, वहां पे एस्टर था ना, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइड है, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइड है, और इसके बाद
सी एच चार की रिंग, ये चार की रिंग आएगी, एमई एमई लगा देना बस, एमई एमई दो ऐसे ऊपर और दो नीचे, एमई एमई, ये एलईडीएम का स्ट्रक्चर है, सेम एज एस्पार्टेम, एलईडीएम इज सेम एज अप्रोक्सीमेटली सेम एज एस्पार्टेम, बस ऊपर उसमें लगा रहा सी एच टू पी एच, यहाँ पे एमई लगा, सिर्फ इसमें सिर्फ एमई लगा है, इतना वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, इतना वाला पार्ट सेम है, ऊपर एमई लगाया और इधर आके इधर जो है इधर वाले पार्ट में एस्टर था, एस्टर जगह सेकेंडरी माइड लगा के सी एच लगा के, एक मिनट सी एच तो नहीं लगेगा यहाँ पे, एक मिनट इसको ना रिंग के अंदर ही करना, ये सी एच तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही ना, ये सी एच एक बार चेक कर लेना स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये ना आगे जाकर ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर, क्लियर है कि वैलेंसी पूरी हो गई अब इसमें, समझ गया मैंने क्या बोला स्ट्रक्चर में। देखो कल चार पांच बच्चों ने मैसेज किया था, उन्होंने याद भी कर लिया है और दोनों मेरे को सुना दिया था, तो तुम लोग ये कर लेना चैप्टर, नहीं तो, और मैंने तुम्हें बोला कि इसको 8-10 दिन लगातार मन में बोलो पूरे चैप्टर को, तब जाके ये याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा ये तो तुम कल तक ही भूल जाओगे फिर जो मैंने पढ़ाया, अभी अभी कुछ बातें याद रहेंगी इसमें। एलईडीएम बता दिया, नेक्स्ट है सैकेरिन, सैकेरिन मैंने बता, सुक्रोज रह गया ना, यस सर सुक्रोज रह गया, मैंने सैकेरिन बता दिया, यस सर, उसमें जिसमें सल्फर था, सुक्रालोज, सुक्रालोज का स्ट्रक्चर सेम टू सेम एज सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें आता है तो इसको तुम बना सकते हो, मेडिकल वाले बच्चों को सबको आता होगा ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें थोड़ा सा बस चेंज करना है, यहाँ पे बीच में ओ लगाएंगे, ये जुड़ेगा ये इस तरह से, अब तुम्हें ध्यान होगा H जो पहले मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें सुक्रोज, H फिर ये जुड़ता है H O H तीसरे पे उल्टा O H H फिर H O H फिर H C H टू O H, ये होता है सुक्रोज, यहाँ पे बीटा वाला होता है नीचे फ्रक्टोज, O H ऊपर रहता है इसका, फिर तीसरे पे 1-2 तीसरे पे उल्टा आता है C H टू और लगेगा इसमें, सही ना, इसमें सी एच टू और लगेगा, सी एच टू इसमें चेंज करेंगे, एक मिनट को इसको ना यहाँ पे नीचे लगाना सी एच टू ओ एच, फिर तीसरे पे उल्टा ओ एच 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 ओ एच फिर सी एच टू ओ एच एच, ये है ना ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, इसमें ना इसमें चेंज क्या करेंगे हम, इसमें चेंज करना है लास्ट में, ध्यान रखना है लास्ट में जाकर के क्लोरीन लगा देना है, जैसे इसमें जो कॉर्नर पे दिख रहा है, जो कॉर्नर पे दिख रहा है उसमें क्लोरीन लगा देना, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ये हटाया वॉच, ये हटाया वॉच, यहाँ लगा देना सीएल, यहाँ लगा देना सीएल और एक यहाँ लगा देना सीएल, बस ये तीन जगह सीएल लग जाएगा सुक्रालोज बन जाएगा, तीन जगह सीएल लग जाएगा तो बन जाएगा सुक्रालोज, है ना, सुक्रालोज का स्ट्रक्चर ये है, ये तो मैं बता भी दूंगा जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हें समझा दूंगा, ये तीन जगह वॉच हटके सीएल लग जाएगा तो बन जाएगा सुक्रालोज, तो ये 600 टाइम्स ट्विटर होता है, जैसे सैकेरिन था ना 550 टाइम्स था, ये 600, ये ऑलमोस्ट दोनों स्वीटनेस इसकी कंपेरेबल होती है दोनों की, सैकेरिन की और सुक्रालोज, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस है। नेक्स्ट नोट करना है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं, जो फूड विच कंटेन्स फैट्स उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देते एंटीऑक्सीडेंट्स, नहीं तो उनके अंदर भी ऑफेंसिव स्मेल आएगी, बैड स्मेल आने लग जाएगी, है ना, तो स्मेल आने लग जाएगी, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच कंटेन्स फैट, टू प्रिवेंट दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच कंटेन फैट्स, तो इसके अंदर तुम्हें जो याद रखना है BHT, ये एग्जाम्पल पूछी हुई पेपर में, BHA PG, ये तीन याद रखनी है, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलियन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इससे कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून है, हाइड्रोक्सी है तो OH लगा दिया, टोल्यून है तो CH लगा दिया, ब्यूटाइलेटेड है तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दोनों साइड, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दोनों साइड, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या आएगा दोनों साइड आ जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, और दूसरा अगर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल,
दूसरा वाला ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल के लिए CH3 हटा करके ना ब्यूटाइलेटेड पार्ट आएगा, हाइड्रोक्सी पार्ट आएगा, वो CH3 लगा देना, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और पीजी क्या है, प्रोपाइल गैलेट। प्रोपाइल गैलेट पीजी क्या है, प्रोपाइल गैलेट। ये खत्म हो गया हमारा केमिकल्स इन फूड, क्लियर, ये है केमिकल्स इन फूड। नेक्स्ट अब नोट करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसको नेक्स्ट में लेना, एक बार रिजॉइन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए।